सब कुछ क्लियर है, देख नहीं रही तुम? रियान, तुम अपने साथ दूसरों को भी मुश्किल में डाल रही हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। बेशक वो कच्ची आबादी थी, मगर मेरे सर पर छत तो थी। बहरहाल जा रही हूं मैं। कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कोई अपसेट हो। मॉम, आमिर बस छोड़ दो मुझे, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मॉम प्लीज, हम सब पहले ही बहुत परेशानी में हैं। आप मेरी बात को गलत समझिए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बाबा जान पर जो इल्जाम है मुझे उस पर यकीन नहीं, इसलिए हकीकत तक पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है, ये चैप्टर क्लोज कर दो आप, बस प्लीज। आप ठीक कह रहे हैं, गलती हो गई है मुझसे। माफी चाहती हूं मैं जावेद आंटी। हेलो कान, कान डियर, आप जाएं बेटा मिशाल के साथ खेलें। ओके, मैं आती हूं। क्या आपको मिशाल की प्रॉब्लम में मेरा इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगा? मिशाल और कान की लड़ाई हो गई थी, मैंने सोचा दोनों एक गेट टुगेदर करें तो मिशाल खुश हो जाएगी। कस्टडी केस की वजह से हम कड़ी निगरानी में हैं, इसलिए तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। अगर एटलीस्ट तुम मुझसे हर बात शेयर कर रही होती तो मुझे मालूम होता कि घर में क्या हो रहा है। मिशाल के फ्रेंड को घर बुलाने से केस पर क्या इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि तुमने हर काम गैर जिम्मेदारी से किया है, इतनी सी बात समझना बहुत मुश्किल है क्या? गैर जिम्मेदारी से? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो तुम। मिशाल के फ्रेंड को घर बुलाने में प्रॉब्लम क्या है आखिर? नौरीन आज मिशाल का फ्रेंड है, कल कुछ और होगा।
केस के दौरान मैं कोई भी मसला नहीं चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सबर नौरीन, सबर। इस स्टुपिड से आर्ग्यू करना बिल्कुल यूजलेस है। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं, चलता हूं। हिकमत अंकल। जैमरे, मैं आपको यहां देख के हैरान हो गई हूं। मैं भी जैमरे, मैं तुम्हें यहां एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जी, मैं यहां आई हूं। इसलिए आई थी कि मुझे शुरू से ही इस इल्जाम पर यकीन नहीं था। हिकमत अंकल, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहां आई थी? बिल्कुल बिल्कुल। शायद कुछ मालूम हो सके, हो सकता है मैं फायदा पहुंचा सकूं आपको। अब आगे क्या होगा? समझ नहीं आ रहा क्या होगा? आप अपने पीछे इतनी बड़ी बर्बादी छोड़ गए हैं हिकमत दारोन। सब कुछ खत्म हो गया।
सब कुछ तहस नहस हो गया है। कैसे हैं आप? हिकमत साहब से रापता नहीं हो रहा, क्या तुम उन्हें मैसेज दे दोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नेक्स्ट मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट साइन होने हैं। आमिर, आवाज आ रही है मेरी? साइन कर दूंगा मैं, मुझे भिजवा दो वो डॉक्यूमेंट्स। सिजगिन साहब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? शुक्रिया। आपसे सोना की कंडीशन के बारे में बात करनी थी मुझे। थैंक्स बेटी, मेरे लिए इतना सोचा तुमने, मगर तुमने खुद ही देख लिया, उन्हें कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई। तुम्हारे इतनी परेशानी उठाकर यहाँ ना बेकार रहा। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे आप पर दिल से यकीन है हिकमत अंकल। बचपन से अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको, आप एक चूंटी को भी नहीं मार सकते। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज हिकमत अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। यानी तुम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो? मुझे एक अकाउंट का बैलेंस मालूम करना है। नाम है जेमरे साइगन। जानती हूं कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा उनका इस तरह से बात करना। मैं बहुत हर्ट हुई हूं इंजर। मगर उन्हें समझती हूं मैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बाबा जान बेगुनाह है, मैं चाहती हूँ सब यकीन करें इस बात का।
अभी भी गुस्सा है क्या मुझसे? क्या इन्हें बताऊं कि इन्होंने पूरी बात तो सुनी ही नहीं और मिसअंडरस्टैंड किया? मैं माफी चाहता हूं। तुम्हें हर्ट करना जिंदगी में आखिरी चीज होगी जो मैं करना चाहूंगा। जहन इतना उलझा हुआ है कि बस एक तरफ डैड है और दूसरी तरफ मॉम। उन्होंने एक पोजीशन ली, सामने आकर कहा कि मैंने किया। वो बेगुनाह है या नहीं ये मैं नहीं जानता, किसका यकीन करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। एक लम्हे में तलख हो गई उनसे जुड़ी सारी खूबसूरत यादें। छोड़ देते हैं, वक्त पर छोड़ देते हैं, वो भी कुछ अरसे के लिए। जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो रेहान। शुक्र है तुम साथ हो मेरे, इसी तरह साथ रहो तो हर मुश्किल से लड़ लूंगा। बस हमेशा मेरे साथ ही रहना, तुम्हारी सांसें ऐसे ही सुनता रहूं, तुम्हारी खुशबू सूंघता रहूं। कुछ दिनों से घर के बाहर एक आदमी मंडला रहा है, दुबला पतला लंबा सा। मैंने तो ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। पक्की बात है? शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा है भाई। डिटेल बताओ। नौरीन मैम से प्रॉमिस किया है मैंने। बताओ ताजी। ओया मैम का फ्रेंड है वो, अरसिन, मगर मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगा। आगे बोलो। ओया मैम ने नौरीन मैम के कार्ड से शॉपिंग की थी। नौरीन मैम ने ये बताया मुझे, फिर पता लगाया किसने किया है। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? मालूम नहीं, हो सकता है वो ओया मैम को बचाना चाहती हूँ। यानी नौरीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं भाई। नौरीन मैम बहुत अच्छी हैं,
होगी, लेकिन मुझे इससे क्या। कितनी प्यारी ड्राइंग है। मुझे भी ड्राइंग करनी है मिशाल, मगर पेंसिल नहीं है मेरे पास, ना ही कोई स्केचबुक है। सो मच हनी। वो बच्चा चला गया। हाय, मुझे कितनी खुशी हो रही है, जैसे किसान को खोया हुआ गधा मिल जाए, जैसे कोई फकीर बादशाह बन जाए और चींटी ऊंट। बताओ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तीन महीनों में जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दो मुझे। काश ये सब ना हुआ होता। मेरी फिक्र ना करें, आप तो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तुम्हारे डॉक्टर से साजगिन साहब से बात हुई थी, जो घर की सिचुएशन है, जब तक ये मुश्किलात खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक तुम्हारा यहां रहना, यानी इस अफरा तफरी के माहौल में रहना मुनासिब नहीं उनके ख्याल से।
असल में वो एक प्रोग्राम क्लिनिक में ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिनिक में? तुम अगर चाहो तो देखो, यहां रहकर बेहतरी नहीं आएगी। निकलना चाहती हूं मैं इस घुटन से। मैं तैयार हूं, सब कुछ भूल जाना चाहती हूं, बल्कि खुद को भी। यही बेहतर रास्ता है। इस घर से दूर रहने का। सैजगिन साहब ने अब्रॉड रहने वाले एक एक्सपर्ट सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट को भी इंटैक्ट किया है। उसे भी इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया उनका। आई एम श्योर तुम्हें फायदा होगा इससे। ठीक हो जाओगी तुम, मुझे दिल से यकीन है इस बात पर। कैसे रिएक्ट किया उसने? वो मान गई है। क्या आपको यकीन है हम सही कर रहे हैं? मेरा मतलब, सोना जिस मुश्किल वक्त से गुजरी है, उस दौरान कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ नहीं था। उसने यकीनन इस सिचुएशन में बहुत अकेला और रिजेक्टेड फील किया होगा। आई एम श्योर यहां से बहरहाल बेहतर ही होगा वहां का माहौल। मगर आप जानते हैं ना कि सोना क्लिनिक के मामले में कितनी सेंसिटिव है। डोंट वरी, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। काफी एक्साइटेड है वो, बहुत पुरउम्मीद है। सोना खुद राजी है, निकलना चाहती है यहां से। तो एरसन असल में ओया का फ्रेंड है, यानी नौरीन का कोई अफेयर नहीं। खामखा नौरीन पर शक किया मैंने, मिशाल के फ्रेंड को घर बुलाने से केस पर क्या इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि तुमने हर काम गैर जिम्मेदारी से किया है, इतनी सी बात समझना बहुत मुश्किल है क्या? गैर जिम्मेदारी से? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो तुम। मिशाल के फ्रेंड को घर बुलाने में प्रॉब्लम क्या है आखिर? नौरीन आज मिशाल का फ्रेंड है, कल कुछ और होगा। केस के दौरान मैं कोई भी मसला नहीं चाहता हूं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? उसे भी गुस्सा दिला दिया मैंने। आलमी शोहरत याफ्ता अज़रबैजानी वायलिनिस्ट महमदोव करासी तुर्की में क्या मतलब? हिकमत बैठे थे उस आदमी के घर में। तो और क्या कह रही हूँ, शुक्र है उसने बीवी को कुछ भी नहीं बताया था, तो जाहिर है उसे कुछ पता ही नहीं था। मैं समझ गई हूँ, हिकमत ने जरूर कोई खतरनाक ट्रैप तैयार किया है हमारे लिए, वरना क्यों उस बात को ऑन करते? जावेदा आंटी, उन्हें शक होता तो मैं समझ जाती, उस औरत ने यकीनन कुछ नहीं बताया उन्हें। ठीक है, तुम मेंशन आ जाओ, सामने बैठ के बात करते हैं। मॉम,
दो मिनट बात हो सकती है? हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बैठ जाए प्लीज। डैड की सिचुएशन तो जाहिर ही है, अब मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद इस घर में किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना उठानी पड़े। आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो आप मेरे पास आए सीधा, मुझे बताएं अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो जो भी हो। बेटा काश ये दिन देखने से पहले मैं दुनिया से चली जाती। हिम्मत, वो अपना बोया काट रहे हैं, उनके बारे में मत सोचिए, आप बस रिकवर होने की कोशिश कीजिए। बाय द वे सोना के डॉक्टर से बात हुई थी मेरे, वो कहते हैं सोना को वहीं क्लिनिक में रखकर ट्रीटमेंट करना होगा, सोना को भी एतराज नहीं है। सीजकुन साहब ने कहा? वो 2 साल से इंसिस्ट कर रहे हैं इसी बात पर, जैसे बेहतर समझो तुम। हर चीज को ठीक करने के लिए जो मेरे बस में होगा करूंगा मैं। सब कुछ ठीक कर दोगे तुम, खुद को उस चुड़ैल के चुंगल से छुड़ाओगे तो ठीक कर सकोगे ना। तुम बेफिक्र हो जाओ, सब खुद ही ठीक हो जाएगा। हिकमत की तरह वो भी सजा भुगतेंगे, तुम देखते जाओ। मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े, तुमसे अभी मिली और अलग हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मगर जानती हूं मैं यही सही फैसला है। बस यही ख्वाहिश है तुम बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाओ। सोना मेरी जान, रब्बे करीम शिफा ता फरमाएगा, देखना बहुत जल्द सेहत याब होकर आना। आमीन। अपने पैरों पर चलकर लौटना। शुक्रिया मेलिका पा। अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत मिस करूंगी मैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी सोना साहिबा। शुक्रिया निगार। चलो बस आ जाओ, जाने का वक्त हो चुका है। हिकमत साहब का इंतजार नहीं करेंगे? माफ कर दीजिएगा मुझे। आमिर साहब सामान गाड़ी में रख दिया है, मैं तैयार हूं। शुक्रिया। मैं भी चल रही हूं, वहीं गुड बाय कहूंगी। फाइल तो यहीं भूल गए, वो तो मीटिंग में जाने का कह रहे थे। लीव इट, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। सुबह वैसे ही काफी डांट पड़ चुकी है मुझे, फाइल इंपॉर्टेंट होती तो आकर ले जाते। उन्हें पता भी है कि फाइल यहां रह गई। क्या करूं अब?
चली गई वो फाइल। मीटिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी, आपको रिमाइंड कराना था। ओके अंजा, तुम चलो मैं आ रहा हूं। हाँ बोलो। फाइल यही भूल गए आप? अच्छा वो तुमने बता दिया, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। ठीक है ताजी को भेज रहा हूँ, ताजी को तो टाउन हॉल भेजा हुआ है, मैं खुद गया तो मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ अभी। खुद ले आती हूँ मैं। हेलो हेलो सही हो जाऊंगी बिल्कुल। घर से दूर रहना अच्छा रहेगा, मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से परेशान हो। हिकमत जरूर कोई प्लान बना चुके हैं, मगर क्या क्या प्लान? क्या जानते हैं, कितना कुछ जान गए हैं, क्या सोच रहे हैं, किस पर शक है उन्हें? मुहिद्दीन के घर यही तो नहीं गए होंगे ना? उफ, बहुत बुरा हुआ तुम्हें वहां देख लिया। मुझे डराए तो मत जावेदा आंटी। अगर अगर सब कुछ खुल गया तो हम मारे जाएंगे जावेदा आंटी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो आदमी बीमार है, जल्द मर जाएगा। हाँ। और अगर मरने से पहले सब कुछ उगल दिया? कुछ नहीं उगलेगा, पैसे ले चुका है, अपने घर वालों का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालेगा, घबराओ मत। कुछ भी तुमने किया, फिर भी मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता। जानता हूं तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, माली परेशानियां भी हैं, चुनाचे तुम मेरी बात समझ सकते हो। क्योंकि मैं माली परेशान हूं और सीरियस बीमार भी, हम दोनों ही जानते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ बयान झूठा है। मैं सच की तलाश में हूं, अपनी फैमिली की मुश्किलात हल करने के लिए मुझे तुमसे चंद सवालों के जवाब चाहिए।
मेरा मकसद अपनी जात का नहीं, फैमिली का तहफ्फुज है। बस अपनी फैमिली की सलामती चाहता हूं। तुम्हारी भी एक फैमिली है, बीवी बच्चे हैं तुम्हारे। तुम एक अच्छे इंसान मालूम होते हो, मुझे नहीं मालूम तुमने ये क्यों किया, मगर ये जरूर जानता हूं कि मौत की दहलीज पर कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जमीर की आवाज सुनो, अपने जमीर की आवाज। तुम्हें किसने कहा ऐसा करने को? कौन ये काम लेना चाहता था तुमसे? जावेद, जाविदा, जाविदा मैम ने कहा था। उन्होंने कराया ही है, उन्होंने इल्जाम आप पे डाल दू, उन्होंने कहा था आपको मुलविस करने का उन्हीं का प्लान था। बहुत 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 परेशान था मैं, बहुत बहुत पैसे दिए उन्होंने, मैंने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया। ताकि मुझे मुझे अगर मुझे कुछ हो जाए फिर मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कोई 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 मसला ना होने दूं, कोई मसला ना होने दूं। मेरे बाप